हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के? और यार कैसी चल रही है क्लास 12 बोर्ड की प्रिपरेशन? यार प्रिपरेशन के साथ साथ एक चीज भूल मत जाना कि काफी सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं जो आपको भरने हैं 31 मार्च से पहले पहले। तो बोर्ड से पहले, बोर्ड स्टार्ट होने से पहले उन फॉर्म्स को फिल कर लेना। और आज एक अपडेट और आ चुका है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। एक चीज और बता दूं, ये CUET के स्कोर कार्ड पे एडमिशन नहीं ले रही है, ये अपना एंट्रेंस लेगी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी तो चलता है IPUCET। तो आज IPU यूनिवर्सिटी के दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक अच्छा है और एक बुरा है। पहले कौन सा बताऊं? स्टार्ट करते हैं अच्छे से कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं 1 फरवरी से। और दूसरा अपडेट ये है कि इन्होंने अपनी एग्जाम डेट्स भी अनाउंस कर दी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो डेट्स और कब होने वाला है एग्जाम और क्या चेंजेस लेके आया है IPU अपने एडमिशन प्रोसेस में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अच्छा लगे ये वीडियो और इसे लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए है उतना इंपॉर्टेंट आपके दोस्तों के लिए भी है जो भी 12th में है या फिर प्लान कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म प्रोसेस एट IPU यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट ऑन 1 फरवरी। आज है 30th of January और 1 फरवरी से ये आपके जो फॉर्म है वो रिलीज हो जाएंगे। और ये जो नोटिस है ये आज ही आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले दो अपडेट्स है, पहला कि फॉर्म रिलीज हो जाएगा, उसी के साथ साथ एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया IPU ने, ठीक है। तो चले पहले पढ़ते हैं कि कब फॉर्म रिलीज हो रहे हैं। चलो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका विल स्टार्ट द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 ऑन 1 फरवरी को। और इन्होंने इसमें बोला हुआ है कि द यूनिवर्सिटी हैज रिलीज्ड 3 सेपरेट एडमिशन ब्रोशर फॉर UG, PG एंड PhD प्रोग्राम। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि उसके प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाएंगे 29 जनवरी को, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यार वो रिलीज हो चुका है पर एडमिशन वेबसाइट पे अभी शो नहीं कर रहा है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी शो नहीं कर रहा है। तो हम वेट करते हैं आज शाम तक और कल तक शायद आपके पास आ जाए, और जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए अपडेट लेके आ जाऊंगा कि क्या चेंजेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है UG के लिए, और जो जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपनी जो कल वाली वीडियो है प्रोस्पेक्टस पे वो लेके आ जाऊंगा कि क्या क्या रहने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप प्लान कर रहे हो इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका पहला अपडेट कि इनके फॉर्म रिलीज हो रहे हैं 1 फरवरी से। और IPU क्या कर रहा है कि इस बार कुछ नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहा है। यहाँ पे जो वाइस चांसलर है IPU यूनिवर्सिटी के महेश वर्मा, उन्होंने बोला हुआ है कि इस बार कुछ नए प्रोग्राम भी IPU यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट करे हैं, और जो न्यू प्रोग्राम्स होंगे उसके लिए जो एडमिशन स्टार्ट किए जाएंगे वो होंगे 7 फरवरी से। जो कुछ जो पहले से चलते आ रहे हैं जैसे BBA, BCA, BCom ऑनर्स, UG के या PG के, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA LLB के लिए, तो ये सारे कोर्सेज के लिए जो स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन वो 1 फरवरी से। कुछ नए कोर्सेज आ रहे हैं जो कल वाले जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें मेंशन होंगे, उनके लिए जो स्टार्ट होगा एडमिशन वो होगा 7 फरवरी से। और इन फॉर्म्स को लास्ट डेट क्या होगी फिल करने के लिए, वो फिल करने के लिए लास्ट डेट है 31 मार्च। 22 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है, 22 के बाद खैर गैप मिलेगा, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे हम, क्योंकि चेंजेस क्या हुए हैं IPU में। लास्ट डेट का इंतजार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यार हो सकता है कि लास्ट डेट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट डेट में वेबसाइट वर्क करना बंद कर देती है, ओवरलोडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले होते रहते हैं, SMS नहीं आते बच्चों के पास, वेरिफिकेशन ईमेल्स नहीं जाते हैं, तो हम स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है। फॉर्म पर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा मैं जैसे रिलीज होगा। चलो अब यहां पे देखो कि 57 न्यू प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है IPU। खैर छोड़ दो, इसको हम छोड़ देते हैं, हम दोबारा आ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि यहां पे उन्होंने बोला हुआ है कि IPU का जो एग्जाम होता था, सबसे पहले IPU ने चेंजेस क्या किया, IPU का एग्जाम पहले होता था CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता था उन्होंने CBT को हटा के अब इस पेपर को वो लेंगे ऑफलाइन मोड पे, पेन पेपर मोड पे, OMR शीट पे, जैसे कुछ बच्चों ने क्लैट का एग्जाम दिया होगा सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे होगा इनका एग्जाम। और एग्जाम डेट्स क्या है यहां आपको विजिबल नहीं होगा, मैं दिखा देता हूं आपको अगली स्क्रीन पे।
एग्जाम डेट्स भी उन्होंने बता दी हैं कि एग्जाम जो डेट्स यहां पढ़ो आप, जो डायरेक्टर है जो उदयन घोष जो एडमिशन डायरेक्टर है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि ऑल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन फ्रॉम अप्रैल 27 टू मे 12। 27 अप्रैल से ये एडमिशन जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि चलेंगे, एक वीक का टाइम लेता है हर कोई। 27 अप्रैल से 12 मई तक ये एग्जाम इसी ड्यूरेशन में कंडक्ट कर लिए जाएंगे फॉर यूजी कोर्सेज के लिए। ऑल सीईटी प्रोग्राम जो यूजी के लिए भी होते हैं और पीजी के लिए भी होते हैं, तो 27 से 12 मई तक बिफोर आपके सीयूईटी के एग्जाम से पहले आईपीयू अपना सीईटी कंडक्ट कर लेगा। तो ये बुरी खबर उन बच्चों के लिए है जो अभी तक फोकस करके बैठे थे कि नहीं यार बोर्ड 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 को पहले प्रायोरिटी है, बाद में एंट्रेंस के लिए देखेंगे। कई सारे पेरेंट्स ऐसे कहते थे, बच्चे ऐसे कहते कि सर बहुत टाइम मिलेगा बोर्ड्स के बाद पढ़ने के लिए, लेकिन यहां देख लो, मेरे ख्याल से 30th मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम खत्म है और उसके बाद ठीक 27 दिन बचे हैं आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद और उन्होंने बोला हुआ है कि हर बार ऐसा क्या हो सकता है, पैंडमिक के बाद से जितने भी सेशन स्टार्ट हुए वो सारे डिले होते हैं हुए, तो इस बार आईपीयू ने एक चीज और पहले से बता दी कि काउंसलिंग जो एडमिशन के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग होते हैं, रिजल्ट भी आपके आपके पास आ जाएगा जून के फर्स्ट वीक में। उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है आईपीयू का, काउंसलिंग फॉर अदर प्रोग्राम विल स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड विल बी कंप्लीटेड बाय 31st ऑफ जुलाई एंड द न्यू सेशन एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट On August 1, 2024, 1st of August से वो अपना जो सेशन है वो भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब 1st of April अगस्त से आपके कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की है, स्टार्ट नहीं करी है, तो एक सजेशन है आप लोगों के लिए यार, क्योंकि अभी मैं ये वो राइट टाइम नहीं है जहाँ पे अब मैं कहूँगा आपको कि बोर्ड को छोड़ के अपने एंट्रेंस पे फोकस करने लग जाओ, क्योंकि आप करोगे बोर्ड्स के बाद ही। तो कौन सी गलती नहीं करनी है आपको, सबसे पहले कि जो भी कोई आपको कहता है कि यार हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर खरीदो, अगर आप लोगों ने कभी भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो किसी के भी रिकॉर्डेड लेक्चर परचेज मत करना, बिल्कुल भी मत करना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स उन बच्चों के लिए होते हैं यार कि जो बच्चों ने जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी होती है और बाद में वो सिर्फ रिविजन के लिए कि यार एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाते हैं टॉपिक से, वो रिकॉर्डेड लेक्चर परचेज करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन मत करना जहां पे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट ना कर पाओ, कहीं भी ऐसी जगह ज्वाइन नहीं करना है जहां पे आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन ना हो। अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर रहे हो कहीं पे जहां पे लाइव क्लासेस हो रही है, तो मेक श्योर कर लेना कि उनसे कंफर्म कर लेना कि जो भी क्लासेस हो वो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होनी चाहिए, जहां पे अगर ड्यूरिंग द क्लास आपको कोई डाउट आता है तो आप क्लियर कर पाओ, वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे, क्योंकि हर कोई मॉक टेस्ट आपको दे देगा कि यार ये पीडीएफ ले लो, लेकिन आपको रिपोर्ट की आपकी समरी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रे एरियाज है आपके जहां पे वर्क करना है। क्योंकि मैंने कहा क्या कहा, 27 दिन ही बचेंगे बोर्ड के बाद, टोटल 27 डेज बचेंगे आपके पास बोर्ड के बाद, जिसमें आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा आईपीयू सीईटी। और अब आईपीयू सीईटी मैं क्यों कहता हूँ यार, आईपीयू सीईटी अगर कोई बच्चा बीबीए प्लान कर रहा है नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, तो बीबीए का सबसे अच्छा ऑप्शन आईपीयू के अलावा कोई है ही नहीं। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बीबीए के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। लेकिन बीबीए के अलावा अगर दिल्ली में हम बीबीए के लिए देखें तो सबसे अच्छा ऑप्शन सबसे अच्छे कॉलेजेस है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में महाराजा सूरजमल हो, विप्स हो, महाराजा अग्रसेन हो, जिम्स हो, IITM हो, ट्रिनिटी हो, ये सारे कॉलेजेस आईपीयू में है बीबीए के लिए। और बीबीए में कॉम्पिटिशन भी टफ रहता है, इसका एग्जाम थोड़ा ईजी होता है लेकिन इसका इसमें कॉम्पिटिशन टफ रहता है। लगभग 40,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फॉर 8,000 सीट्स, 8,000 सीटें सारे कॉलेजेस में मिला के टोटल 44 कॉलेजेस में 8,000 सीट्स है। बीकॉम के लिए अलग, बीसीए के लिए अलग है, बीसीए के लिए सीट देखा जाए तो सिर्फ 2,500 सीट्स है, बीकॉम के लिए देखा जाए तो 1,800 सीट्स है, बीजेएमसी के लिए देखा जाए तो 1,500 सीट्स है। तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए सीट्स कम है लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा कि जो गलती मैं कह रहा हूँ कि किसी का भी रिकॉर्डेड लेक्चर ज्वाइन मत करना, ऑनलाइन क्लासेस वहां लेना कि जहां पे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाओ, वो आपको स्टडी मटेरियल सारी चीजें दे पाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है या आप लोग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई सजेशन चाहिए मुझसे, या अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग
प्लान कर रहे हो किसी कोर्स के लिए आईपी यूनिवर्सिटी में बीबीए बीसीए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसकी जो डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, वहीं कमेंट सेक्शन में आपके पास जो कमेंट आएगा उसमें जो लिंक होगी वो पिन कर दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।